आज मैं बना रही हूँ स्पॉन्ज केक। कल मेरे ग्रैंडसन का बर्थडे है और उसकी थीम है डायनासोर केक। तो इसके लिए मैं दो केक बनाऊंगी, उसको मैं डबल डेकर में यूज करूंगी और इसी की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी और उसको आइसिंग भी करेंगे। यदि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके लिए हमें चाहिए 4 eggs, 1 cup पाउडर्ड शुगर, 1 cup मैदा, 2 चम्मच ब्लैक रेजिन्स और 1 cup ऑयल, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर। सबसे पहले हम 1 cup मैदे को 1 चम्मच बेकिंग पाउडर के साथ बहुत अच्छी तरह से छान लेंगे। इसको हमें 3 बार ज़रूर छानना है, यह एक बहुत ज़रूरी स्टेप है जिसे हमें मिस नहीं करना चाहिए। अब एक मिक्सी जार में 4 अंडे डालकर इनको अच्छी तरह से चला लेंगे ताकि इनकी फॉर्मिंग हो जाए। 1 मिनट लगातार चलाने के बाद यहाँ पर इस जार में ही हम 1 cup ऑयल डालकर इसको फिर से चलाएंगे। फिर उसमें हम डालेंगे 1 cup चीनी जिसे हमने पहले ही पीस लिया था। अब हम इस बैटर को एक बोल में निकाल लेंगे। इसमें हम 3-4 ड्रॉप वेनिला एसेंस या कोई भी आप अपनी इच्छा से एसेंस डाल सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके बेकिंग पाउडर मिक्स करके जो मैदे को हमने मिक्सचर तैयार किया था उसमें इसको मिलाते जाएंगे। यहाँ पर हमने मैदे को 2-2 चम्मच करके डालना है, एक साथ नहीं डालना है वरना केक में सॉफ्टनेस नहीं आएगी। केक पैन को भी जिसमें हम केक बनाना चाहते हैं उसको हम पहले से ही ऑयल से ग्रीसिंग करके तैयार कर लेंगे और इसमें बटर पेपर लगा लेंगे। इसमें सारा बैटर डालकर उसके ऊपर ब्लैक रेजिन्स डाल दी हैं और अब ये हमारा केक बेकिंग के लिए बिल्कुल तैयार है। अवन को पहले से ही 200 डिग्री पर सेट कर दिया था 20 मिनट प्री हीट करने के बाद। अब मैं इस केक को अवन में रख रही हूँ। 35 मिनट्स के बाद हम अपने केक को एक बार चेक कर लेते हैं। यह हमारा केक बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है। इसको हम नाइफ से या किसी वुडन स्टिक से चेक कर लेंगे, इसमें बिल्कुल भी चिपचिपाहट नहीं होनी चाहिए। देखते हैं कि कितना फ्लफ़ी केक बनकर तैयार हो गया है। इसी तरह से मैंने एक 6 इंचेस और एक 4 इंचेस के दो केक तैयार कर लिए हैं। एक स्मॉल साइज का केक है, इसको कल हम डबल डेकर केक बनाएंगे। अब मैं इस पर आइसिंग की तैयारी शुरू कर लेती हूँ। मार्केट में आइसिंग क्रीम आसानी से मिल जाती है जो फ्रीज्ड होती है, उसे हमें जितनी ज़रूरत हो उतनी हम निकाल कर उसको रूम टेम्परेचर पर तैयार कर लेंगे और बाकी क्रीम को हम फ्रीज़र में दोबारा से रख देंगे। अब हम इसको इलेक्ट्रिक बीटर से अच्छी तरह से बीट करेंगे। इसको बीट करने में कम से कम 10 से 15 मिनट लग जाते हैं और यह पूरी तरह से फ्लफ़ी हो जाती है और फूल कर काफ़ी ऊपर आ जाती है। और इसको चेक करने का तरीका यह है कि हम अपने पॉट को उल्टा करके देखेंगे, उसमें हमारी ये क्रीम गिरनी नहीं चाहिए। तो समझ लीजिए कि यह बिल्कुल रेडी है। अब हम दोनों केक्स को चाकू से ऊपर से पूरी तरह से फ्लैट कर लेंगे और दोनों को ही सेंटर से कट करके आइसिंग स्टार्ट करेंगे। पहले बड़े केक को और फिर छोटे केक को एक के ऊपर एक रखकर दोनों को क्रीम से कवर कर लेंगे। अब हमें डायनासोर थीम बनानी है तो इसके लिए मैं थोड़ा सा फूड ग्रीन कलर क्रीम में मिक्स कर रही हूँ ताकि उससे मैं इसको डेकोरेट कर पाऊँ।
इसे मैंने कोन में डालकर छोटे छोटे ग्रीन फ्लावर्स बनाए हैं। अब मैं इस केक को रेडी करके इसके ऊपर एक ग्रीन ग्रास बनाना चाहती हूँ। इसके लिए मैंने कोकोनट पाउडर में थोड़ा सा ग्रीन कलर मिक्स किया है और इसको छानकर केक के ऊपर डाल रही हूँ ताकि ब्यूटीफुल घास दिखाई दे। एक ग्रीन कार्ड शीट को डायनासोर की शेप में कट कर लिया है, इसे मैं इस केक के ऊपर लगा रही हूँ और एक ब्यूटीफुल सी लुक दे रही हूँ। मेरे ग्रैंडसन का यह 4th बर्थडे है, इसलिए मैं इस पर यहाँ पर बर्थडे और एक 4 नंबर लगा रही हूँ, जिसे देखकर बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं।